Hey guys, welcome back to our new video. I am Shraddha Gupta, medical student in Russia. So guys, मैंने जो भी experience किया है वो चीज मैं आज आप लोगों को share करने जा रही हूँ. वो 5 tips. आप लोगों ने title देख लिया होगा कि video क्या चीज है. तो guys, सबसे पहला tips क्या है? As you all know that Russia is the coldest country in the world. तो गाइज, जैसा कि आप लोग यहाँ पे आओगे फर्स्ट ईयर में, तो आप इंडिया से मत लाना कुछ भी, क्योंकि यहाँ की जो ठंड होती है ना वो अलग होती है. यहाँ के जैकेट्स ही लेने पड़ेंगे आपको. तो आप सबसे पहला चीज तो ये है. सेकंड क्या है, आप यहाँ पे आओ और उसके बाद अगर आपका हेडेक होता है, फीवर, एसिडिटी, कुछ भी तरह का अगर आपको है हल्का फुल्का प्रॉब्लम्स, तो आप मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन रख सकते हो. रशियन मेडिसिन भी मिलती है यहाँ पे, लेकिन आप आओगे तुरंत तुरंत तो एनवायरमेंट चेंज होता है, तो आप लोग समझ जाओ खुद भी थोड़ा सा. तीसरा चीज क्या है, अगर आपको इंडिया वाली टेस्ट चाहिए तो आपको तो स्पाइसेस लाना पड़ेगा, तो आप वहां से स्पाइसेस ले आओ इंडिया वाली. और यहाँ पे मेस भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, इंडियन मेस भी होता है. और सबसे मेन चीज क्या है, आप रशिया आने से पहले किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे आपको किसी भी एक प्रॉपर कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप उसमें सबसे पहले ये चीज सोचो क्या वो यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है या फिर इंग्लिश मीडियम है. क्योंकि रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर तक इंग्लिश होते हैं और थर्ड ईयर के बाद से रशियन कोर्स में पढ़ाई होती है. तो इस चीज का मेन ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि वहां इंडिया में एजेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम है, लेकिन आप यहाँ पे आओगे थर्ड ईयर तक पढ़ोगे और उसके बाद फिर आपको रशियन में पढ़ाया जाएगा. तो ये इस चीज का ध्यान रखना. और फिफ्थ क्या है, इंडिया में जो होता है अटेंडेंस, उसमें आपको 75% चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 100% चाहिए. ये चाहिए, आपको डेली क्लास जाना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप मेडिकल इश्यूज पे हो, मेडिकल दिखा दो टीचर्स को, फिर आपको लेकिन मैनेज करना पड़ेगा वो क्लासेस. ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका टेस्ट, जैसे हर मंथ आपका कंट्रोल टेस्ट होता है, उसको पास करोगे तभी आपको सेमेस्टर में एग्जाम में बैठने के लिए मिलेगा. और आप जितना मॉस्को के नजदीक जाओगे उतनी ज्यादा ठंड होती है वहां पे. अगर आप साउथ जोन में जाओगे तो वहां पे मतलब आप रह सकते हो अच्छे से, क्योंकि जैसे आप इंडिया में रहते हो उसी अनुसार से वहां पे भी ठंड के टाइम पे ठंड पड़ती है और गर्मी के टाइम पे गर्मी होती है. मतलब उतना नहीं इफेक्ट होता है इंडियंस को, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेते हैं. तो गाइज, ये 5 टिप्स हैं आप लोग को, आप लोग को एकदम जानना जरूरी है, एज माई एक्सपीरियंस ये कहता है. ठीक है, तो गाइज अब आप देख लो. थैंक यू. हर हर महादेव. ऐसे ही मैं आप लोगों को बहुत सारी अपडेट करते रहूंगी, हर बार, हर कुछ कुछ दिनों पे. अब